तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल देसी डिटेल्स ओनली के और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग एक नई सीरीज लेके आए जिसमें आप लोगों को सात आठ बैंक की आप लोगों को एक सीरीज मिलने वाली है। सात आठ बैंक की कंपेयर में करके बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों को अलग अलग मिलेंगी, लेकिन इसमें आप लोगों को केवल पर्सनल लोन के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले SBI बैंक से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम बढ़ते अपने SBI बैंक की ऑफिशियल साइट की तरफ, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी बैंक आप लोगों को किस तरह के इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराती, क्या आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है, क्या आप लोगों के यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितनी मंथली सैलरी रिक्वायर्ड करती है। तो इस तरह की आप लोगों को सारी वीडियोस के साथ में पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक है जो आपको कितने इंटरेस्ट रेट पर कौन सा अच्छा लोन अमाउंट प्रोवाइड कराती है। तो बढ़ते हैं अपने SBI बैंक की ऑफिशियल साइट की। उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि हमारी अगली कुछ सीरीज की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी SBI बैंक की ऑफिशियल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SBI बैंक पर्सनल लोन 2023 हाईलाइट्स के बारे में बात करें, और ये जो आपको जानकारी मिल रही है सारी, ये केवल 2023 की सारी लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिल रही है। सबसे पहले बात करें अगर इंटरेस्ट रेट की, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 11% से 15.15% का इंटरेस्ट रेट होने वाला है। लोन अमाउंट आपका 20 लाख रुपए तक का होगा मैक्सिमम लोन अमाउंट। मिनिमम मंथली सैलरी जो आपकी होगी वो 15,000 की होगी। लोन टेन्योर 6 सालों का मिलेगा, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.50% आप लोगों को मिलेगा। और जो पेंशन की लोन राशि होने वाली है वो 14 लाख रुपए तक का, जो पेंशन जिनको मिलती है उनके लिए जो लोन अमाउंट होगा वो 14 लाख रुपए तक का ही केवल होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सेकंड नंबर पर कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो एज की बात करें वो 21 होनी चाहिए मिनिमम एज, और 58 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। सिविल स्कोर आपका 750 या उससे अबव का होना चाहिए। न्यूनतम सैलरी जो मासिक सैलरी होनी चाहिए वो 15,000 होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आपके जो कार्य का अनुभव होना चाहिए वो 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पर जो सैलरी अकाउंट वेतन खाता होना चाहिए वो SBI या और किसी भी बैंक का हो सकता है। बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो पहचान के यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर बात करें प्रूफ ऑफ एड्रेस की, तो यहाँ पर पते के प्रमाण में आप लोग रेट एग्रीमेंट दे सकते हैं, न्यूनतम 1 साल रहने का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट स्थायी निवास का प्रमाण दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। अब अगर यहीं पर बात करें आय और व्यवसाय का प्रमाण के लिए, आप लोग ITR दे सकते हैं, पिछले 2 आकलन वर्ष का, वेतन पर्ची पिछले 6 महीने की, और बैंक स्टेटमेंट आप लोग प्रोवाइड कराना होगा पिछले 3 महीनों का। तो अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर 4 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं 2 सालों के लिए, तो उसमें आप लोगों को क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है बैंक, क्या आप लोगों से मंथली EMI आप लोगों को देनी होगी बैंक को। तो इसके लिए चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आ चुके पर्सनल लोन पर, यहाँ पर पर्सनल लोन को सिलेक्ट कर देते हैं। 4 लाख का इंटरेस्ट रेट जो हमारा होगा वो 11% होगा। लोन अमाउंट, लोन टेन्योर होगा 2 सालों के लिए। लोन EMI जो हम लोगों की पर मंथ की जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, वो 18,643 की जाएगी। टोटल इंटरेस्ट पेबल आप लोगों को 47,435 रुपए का करना है। टोटल जो पेमेंट रहेगी वो हमारी 4,47,435 की रहेगी, जिसे आप लोग ब्रेक ऑफ टोटल पेमेंट से समझ सकते हैं। 10.6% टोटल इंटरेस्ट वाला एरिया होने वाला है, और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 89.4% होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें कुछ इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। तो ये सीरीज आप लोगों को मिलती रहेगी। ये आज का हमारा पहला वीडियो था। इसी तरह के आप लोग कुछ 5 या 6 वीडियोस और मिलेगा कुछ अलग अलग तरह की बैंक से, कि कौन सी बैंक आप लोगों को बेस्ट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।